वेलकम टू माय चैनल अफजल ब्लॉग। दोस्तों अभी हम हैं लखनऊ में और हम लखनऊ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस जगह जाने वाले हैं वो यहाँ की बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो अभी बन चुकी है, पहले नहीं थी। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन नवाबी सिर्फ यहाँ के नवाबों में नहीं थी, यहाँ की राजनीति में भी बहुत ज्यादा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टूरिस्ट स्पॉट हम अब देखने जा रहे हैं वो राजनीति की नवाबी का एक जीता जागता नमूना है। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं कैसा है ये राजनीति का नवाबों वाला नमूना। जी हाँ दोस्तों, इस फेमस जगह का नाम है अंबेडकर पार्क, जिसे हाथी पार्क भी कहा जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैसा है ये पार्क। भाई मैं अभी ये पार्क पहुंच चुका हूं। मैं जहां पर रहता हूं, अभी यहां पर रुका हूं होटल में, वहां से यहां तक करीब करीब 15 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैंने रैपिडो कर लिया था क्योंकि वहां से कोई बस या ऑटो भी दिख नहीं रहा था मुझे, तो मैंने रैपिडो बाइक कर ली। और भाई बहुत परेशानी हुई क्योंकि इतना ठंड है यहाँ पर और बाइक पर तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ बाइक से ही। अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ टिकट्स लेने पड़ते हैं आई थिंक, तो चलते हैं टिकट्स लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। मैं आपको अंदर से पूरा दिखाता हूँ। दोस्तों ये है मेरा टिकट, तो अभी चलते हैं अंदर। टिकट का कॉस्ट सिर्फ 15 रुपये है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये पार्क बहुत बड़ा है, आप घूम भी नहीं सकते। चलिए घूमते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा है, ये बाप रे बाप, इतना बड़ा है कि शायद इसको पूरा घूमना आसान भी नहीं है, बहुत वक्त लगेगा और आदमी जो थक जाएंगे वो अलग। आप बहुत बड़ा है, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ये है दोस्तों वो सामाजिक परिवर्तन स्तंभ। अब सामाजिक परिवर्तन स्तंभ नाम मतलब समझ लो समाज में परिवर्तन लाने वाला स्तंभ, ऐसा ही कुछ नाम है ये। अब ये क्यों बनाया है पता नहीं, बट ठीक है, जो है वो बहुत अच्छा है। हर तरफ टाइल बिछी हुई है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत और चमकता है। जब धूप निकलती है ना तो चमकता है। अभी तो क्या, कल रात में बहुत बारिश हो चुकी है तो इसलिए क्लाउडी वेदर है पूरा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। चलिए बहुत ही खूबसूरत पेड़ बन लगाए हैं, देखो काफी खूबसूरत है पेड़। चलिए चलते हैं वो वाले स्ट्रक्चर के अंदर। इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। ये है बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति। दोस्तों कितनी बड़ी है, देखिए बहुत बड़ी है, हर चीज यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई है। और ये है मायावती जी की मूर्ति। इन टाइल्स को देखो दोस्तों, कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब कितने क्लीन,
कितने चमकदार हैं। इस पार्क के बारे में कुछ बताता हूँ दोस्तों आपको। इस पार्क को बहन मायावती, जो यहाँ की सीएम थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बनाया था काशीराम जी की याद में, उनके सम्मान में। काशीराम जी को वो बहुत ज्यादा मानती थी, तो उनके सम्मान में उन्होंने बनाया था। करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 100 करोड़ रुपए ऐसा ऑफिशियली बोलते हैं, लेकिन बहुत ही, उससे भी कई ज्यादा पैसे इस पे लग गए हैं बनाने के। बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी उन्हें, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने, उन सब ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी हुई इस बात में कि इतने इस पार्क को बनाने की जरूरत क्या थी, इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी। लेकिन जो भी है भाई, ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है उत्तर प्रदेश का, मतलब लोग इसको आगे जानेंगे इस पार्क के नाम से, पार्क के हिसाब से, क्योंकि लोग बहुत सारे पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पे घूमने आते हैं। जब से मैंने इस पार्क के बारे में सुना है, कई बार मैं लखनऊ आया हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाया, लेकिन यहाँ की एक बहुत ही फेमस चीज़ है इस पार्क में, तो बहुत सारे हाथी हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसे हाथी पार्क भी इसीलिए कहा जाता है, और वही मुझे अभी जाकर देखना है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर वो हाथियाँ हैं, बहुत सारे हाथी हैं, तो चलते हैं देखते हैं। तो ये है वो हाथी पार्क का मेन हिस्सा, जहाँ पर सारी ये बड़ी बड़ी हाथी हैं, जो काफी फेमस है हमारे पूरे इंडिया में। ये देखिए, दोनों तरफ इस रास्ते के हाथी हैं, दूर दूर तक बड़े बड़े हाथी। दोस्तों बहुत खूबसूरत बनाया है मायावती जी ने, और उनके बनाने की वजह से जो भी बातें हुई हों, जो आलोचनाएं हुई, वो तो एक तरफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गार्डन, मतलब इतना साफ सुथरा, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कितना कितना बड़ा बड़ा है, ये पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश को मतलब नाम दिलाएगा ऐसे गार्डन, और होना भी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अपना प्रदेश खूबसूरत होना चाहिए। उसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जो भी हुआ हो इसके पीछे वो नहीं पता, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है हर चीज़। साफ सफाई से लेकर हाथियों का जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर मार्बल लगे हुए हैं जमीन पर, मतलब चमकदार है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या है, क्या बनाया है। जो बनाया होगा बड़ा होगा, इसकी तो गारंटी है भाई। ये देखिए, ओहो खूबसूरत है, सर्कल पिलर्स का स्टैचूज। ये है बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या है, लेकिन थकान हो जा रही है भाई चल चल के। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है, कितना घूमेगा आदमी, कैसे चलते चलते तो थक ही जाओ बस। ये है दोस्तों काशीराम जी की मूर्ति, जिनके सम्मान में तो ये पार्क बना है, और ये है इस पार्क का नक्शा, जो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया है, ये पार्क का नक्शा है। और ये है इस पार्क को बनाने वाली हमारी उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है, दोनों तरफ हाथियों की लाइन लगी हुई है, और इतना चमकदार ये यहाँ की जो टाइल है। दोस्तों इस पार्क में बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है, कई सारे गाने यहाँ पर शूट हो चुके हैं। एक गाना जॉली एलएलबी में यहाँ पर शूट हो चुका है, एक गाना है जो सुनो ना संगे मरमर जैकी भगनानी का, वो गाना भी इन्हीं हाथियों के जो ये लाइन लगी यहीं पर हुआ है, और काफ़ी सारे गाने और काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पर। अब ये जो सामने का स्ट्रक्चर बचा है ये देखना है, इसके बाद और एक दो स्ट्रक्चर है लेकिन शायद मैं पूरा ना दिखा पाऊँ आपको। टाइल्स देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत है, कितने साफ सुथरे हैं,
और ये पूरे पार्क में फैले हुए हैं, पूरे पार्क में। दोस्तों अभी मैं आपको वो जो ऊपर गुम्बद दिख रहा है ना, वहां लेके चलता हूँ, वहां पे जाने का रास्ता, और वहां से मैं आपको इस पार्क को दिखाऊंगा। देखिए कितना बड़ा दिखता है, आइए। तो अब हम जा रहे हैं वहां ऊपर, वो देखिए इतनी सारी सीढ़ियां जो हैं, सीढ़ियों से नहीं जाएंगे हम भाई, यहाँ साइड से चलते हैं, ये अच्छा रास्ता है, यहां से वहां तक जाना है। अब हम आ गए हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं यहां से नजारा, ये देखिए। है ना जबरदस्त, ये देखिए कितना बड़ा है। हम वहां गए थे वो हाथी गार्डन की तरफ, हाथी पार्क जो है वो, वहां पे हाथी है, वहां स्टैचूज हैं, और ये सामने वाले म्यूजियम में अब हम जाना है, देखते हैं वक्त है क्या। दोस्तों देखो यहाँ पर भी लोगों ने गंदगी कर दी है, दीवारों पर लिखा है, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है कि इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, इनको गंदा नहीं करना चाहिए। वैसे फिर भी बहुत साफ सुथरा है ये, कुछ जगह पर लोग गंदा कर ही देते हैं, बट फिर भी बहुत बहुत साफ सुथरा है ये। चलते रहिए चलते रहिए, इस पार्क में आना है तो भाई चलना पड़ेगा। वैसे नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर दूर है ना। तो आ गए हम अपने ये वाले स्ट्रक्चर पे, इसका भी नाम है देखिए भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मेरे ख्याल से ये म्यूजियम है। चलते हैं इसके भी अंदर देखते हैं क्या है, आइए। ये देखिए यहाँ से भी ये कितना खूबसूरत लगता है, दोनों तरफ पिलर्स, सामने वो गुम्बद वाला स्ट्रक्चर। चलते हैं अभी इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है, आइए। इसका तो दरवाजा ही देखिए कितना बड़ा है, ओ मायावती जी की। हर जगह पे मायावती जी की प्रतिमा है क्योंकि उन्होंने ही बनाया है।